लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां नगर निगम की कोताही पर हाईकोर्ट सख्त हो गया है। नगर निगम टैक्स ले रहा है तो सड़क भी बनाइए, कहना है हाईकोर्ट का। निशांतगंज में सड़क और नाले से अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए हैं और 10 दिन में काम नहीं होने पर चीफ इंजीनियर को पेश होने का भी निर्देश दिया। तो सीएम योगी की चेतावनी के बाद भी नगर निगम सुधर नहीं रहा है और अब हाईकोर्ट नगर निगम पर सख्त हो गया है। जहां नगर निगम टैक्स ले रहा है तो उसे सड़क भी बनवानी होगी, ये कहना है हाईकोर्ट का। निशांतगंज में सड़क और नाले से अतिक्रमण को हटाने के भी निर्देश दिए गए हैं। वहीं 10 दिन का वक्त दिया गया है ये काम पूरा कर लेने को, नहीं तो चीफ इंजीनियर को सामने पेश होना होगा। तो आपको बता दें कि इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी सख्त शब्दों में चेतावनी दी थी नगर निगम को और तब भी नगर निगम बाज नहीं आया। और अब यहां आप जिस तरह से देख सकते हैं, अब सख्त हाईकोर्ट हो गया है और हाईकोर्ट ने यहां वक्त दिया है 10 दिन का और इसमें कहा गया है कि 10 दिन में काम करना होगा और अगर काम नहीं होता तो चीफ इंजीनियर को पेश होना होगा। तो सीधा कहना है हाईकोर्ट का, अगर नगर निगम टैक्स ले रहा है तो सड़क भी वही बनवाए। अरुण चतुर्वेदी हमारे साथ, हमारे संवाददाता यहां पर जुड़ गए हैं। अरुण, पहले तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने चेतावनी दी लेकिन उसके बावजूद भी नगर निगम के अधिकारी नहीं माने और अब हाईकोर्ट की सख्त चेतावनी यहां पर निर्देश दिए गए हैं, क्या असर होगा? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जिस हिसाब से हाईकोर्ट ने सख्त चेतावनी दिया है कि लगातार जिस हिसाब से नगर में टैक्स वसूल रहा है और उसके बाद जहां पर मूलभूत सुविधाएं हैं वो नहीं दे पा रहा है, इसके लगे कि कुछ अधिवक्ताओं ने यहाँ पर जो कोर्ट में दायर किया था अवमानना, जिसको लेकर हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि अगर वो टैक्स वसूलता है नगर निगम तो उसकी मूल सुविधाएं भी उस नगर निगम की देने की जिम्मेदारी है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री भी कई बार नगर निगम के अधिकारियों को फटकार लगा चुके हैं। उसके बाद भी जब काम नहीं हुआ तो इसके बाद हाईकोर्ट ने सख्त दाखी की 10 दिन के अंदर जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं, जब सड़क है, नाली है और भी जो सुविधाएं देने की बात की गई है याचिका में, वो अगर 10 दिन के अंदर वो सारे काम नहीं होते हैं तो इंजीनियरों को सभी को कोर्ट में तलब किया जाएगा। जी चलिए, धन्यवाद आपका अरुण हमारे साथ जुड़ने के लिए।